एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1.11, राइट। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स इन द फिगर आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर हाफ ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू जीरो इन विच अल्फा इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर हाफ कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड बी द चार्ज विथ इन द क्यूब अज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमको क्या क्या गिवन है, राइट, पहले हम लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमको दी हुई है एक्स डायरेक्शन में कैसी, अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ एंड ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू जीरो है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई और जेड के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, राइट। और हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अल्फा की वैल्यू है वो हमको कितनी गिवन है, 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर हाफ एंड कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब सबसे पहले हमको यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, ठीक। और उसके बाद हमें इसमें बताना है कि चार्ज कितना होगा उस क्यूब में, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स पता करते हैं और दूसरी चीज यहां पर जो ए गिवन है, ए गिवन है वो कितना है 0.1 मीटर, राइट। अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरह से यहां पर है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इस यहां हमारा ओरिजिन और इस ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है हमारा एक क्यूब, राइट। ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है हमारा क्यूब और इस क्यूब की जो साइड है वो भी हमको कितनी गिवन है, ए गिवन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी गिवन है हमको, अल्फा एक्स की पावर हाफ, राइट। यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही है किस पे, एक्स के। अगर हम देखें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देखो ये डिपेंड कर रही है एक्स पे। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, राइट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म है, यार हमने देखा ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो डिपेंड कर रही है किस पे, एक्स पे। यानी कि अगर हमारी एक्स की वैल्यू डिफरेंट है तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी अलग होगी। एक्स की वैल्यू डिफरेंट है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ जो वैल्यू होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, अल्फा ए टू दी पावर हाफ। अगर हम देखें यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें तो ये ए प्लस ए, ये डिस्टेंस हमारा एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, अल्फा 2a टू दी पावर हाफ। यानी कि हमने क्या देखा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। पहली चीज हमने ये नोटिस की। दूसरी चीज अगर हम यहाँ देखें तो हमें फ्लक्स निकालना है किसके लिए, एक क्यूब के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ अगर हम देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर हम हमारे फेसेस को देखें, हमारे इस क्यूब के फेसेस को देखें और उसकी नंबरिंग करें हम, है ना, उसकी नंबरिंग करें हम, इसको दे देते हैं 1, 2, 3 हम इस फ्रंट फेस को देते हैं और 4 इसके बैकवर्ड फेस को, 5 लेफ्ट वाले को, 6 इस राइट वाले फेस को। तो हमने यहाँ पर फेसेस की नंबरिंग कर दी। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट फेस जो है हमारा, फर्स्ट फेस के लिए अगर हम एरिया फैक्टर देखें, हमें तो फ्लक्स निकालना है ना यार। हम नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं, जब कुछ इस तरीके का सॉलिड सरफेस हो तो हम क्या करते हैं, अलग अलग एरिया एलिमेंट लेते हैं और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं और फिर अलग अलग फ्लक्स निकालते हैं। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स निकालना है इस पूरे फेसेस के लिए तो हम क्या करेंगे, अलग अलग फेसेस के लिए फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसका टोटल फ्लक्स निकाल देंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट फेस के लिए फ्लक्स निकालें तो फ्लक्स हमने देखा है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस या फिर डेल्टा ए, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा ए, और यहां फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें एंगल
वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर की डायरेक्शन में। हमेशा सॉलिड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसा लेना पड़ता है? आउटवर्ड। तो यहाँ पर इस फेस के लिए देखें तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी एक्स एक्सिस में ही है। अगर हम दोनों के बीच एंगल देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है? एंगल है 90। और यहाँ पर अगर हम पुट करें तो कॉस 90 कितना होता है? 0। यानी कि हमारा जो फ्लक्स होगा, अगर हम यहाँ पर लेके चले फाई वन, हमारा जो फ्लक्स होगा वो कैसा हो जाएगा? 0। क्यों 0? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला क्या लगेगा? E डेल्टा A कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू है वो कैसी है? 90। इस थीटा की वजह से, जो हमारा फ्लक्स है फाई वन, वो हमको क्या मिल रहा है? 0। यानी कि अगर हम इस सेकंड वाले फेस की बात करें तो इसमें भी फ्लक्स एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। फिर से एंगल हमको कितना मिला? 90। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 90 डिग्री होगा, वहां पर हमारा फ्लक्स कैसा हो जाएगा? 0। यानी कि फाई वन हमारा 0 होगा, राइट। फाई टू हमारा 0 होगा, फाई वन फाई टू। और यहां पर हम देखें तो फाई थ्री यानी कि इसका फ्रंट फेस की बात करें तो ये फ्रंट फेस है। इसके लिए परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर क्या होगा? ये है ना, अलोंग जेड एक्सिस ये एरिया वेक्टर, और एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन यहां पर इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे। फिर से एंगल हमको कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। और अगर फिर से यहाँ 90 डिग्री, यानी कि हमारा फाई थ्री भी कैसा हो जाएगा? 0। और इसके पीछे वाले फेस को भी अगर हम देखेंगे तो यार पीछे वाले फेस पर भी, फाई फोर पर भी एंगल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो हमको कितना मिलेगा? 90। हमारा जो फ्लक्स होगा फाई फोर, वो भी कैसा हो जाएगा? 0। तो हमने क्या देखा? फाई वन फाई टू फाई थ्री फाई फोर, जो कि होगा किसके बराबर? 0। यानी कि नेट फ्लक्स ड्यू टू दीज फेसेस विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो अब हमारे दो फेसेस बच रहे हैं, कौन से? ये फिफ्थ वाला फेस और ये सिक्स्थ वाला फेस, ठीक है। इसीलिए हमारी जो एनसीईआरटी है वो क्या कहती है कि फ्लक्स फॉर फेसेस perpendicular to x-axis, for faces perpendicular to x-axis, angle between electric field and area vector is pi by 2 or 90 degree, so the flux through these faces will be equal to 0, right? तो हमारे कौन से फेसेस बचे हैं? सिर्फ ये दो शेडेड फेस बचे हैं, यानी कि हमारा जो नेट फ्लक्स होगा, therefore the net flux will be only due to fifth phase and sixth phase, ठीक है? Net flux will be due to these two portions or these two faces that are shaded, right? तो यहाँ पर अब हम फिफ्थ फेस और सिक्स्थ फेस के लिए फ्लक्स निकालते हैं। देखो, फ्लक्स फॉर फिफ्थ फेस, फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट D डेल्टा A, राइट। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो वैरी कर रही है ना, एक्स पर डिपेंड कर रही है, यानी एक्स की वैल्यू कुछ और होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में कुछ और होगी और इस पॉइंट में कुछ और होगी। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड E ना लिख करके क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फिफ्थ फेस या फिर लेफ्ट फेस पे भी बोल सकते हैं, राइट। तो ई एल भी लिख सकते हैं लेफ्ट फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ई फाइव भी लिख सकते हैं फिफ्थ फेस पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर तो हमेशा कैसा होता है? आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। तो आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस यानी ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन फॉर फिफ्थ फेस। किसका डायरेक्शन है? ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और इस बार अगर हम एंगल देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। यानी कि हमारे इस फेस के लिए एंगल कितना है? 180 डिग्री। यानी कि अगर हम यहाँ रखें, इसको खोलें, तो E डेल्टा A cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180, E की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? अल्फा
x की वैल्यू यहां पर कितनी है a, तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फिफ्थ फेज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फिफ्थ फेज का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, अल्फा, x की वैल्यू फिफ्थ फेज तक कितनी है a, राइट, टू द पावर हाफ, ठीक है। और अगर हम सिक्स्थ फेज के लिए देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सिक्स्थ फेज के लिए कितनी हो जाएगी, अल्फा, x की वैल्यू उसके लिए कितनी होगी a प्लस a, यानी कि 2a, ये हो जाएगी 2a टू द पावर हाफ। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी किसके लिए, फिफ्थ फेज के लिए और सिक्स्थ फेज के लिए, राइट। अब हम फ्लक्स निकालते हैं, देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिफ्थ फेज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अल्फा a टू द पावर हाफ इन टू एरिया वेक्टर। देखिए तो जो एरिया है वो किसका लेना है हमको, इस स्क्वायर का, राइट। तो स्क्वायर का जो साइड है वो हमको कितना दिया हुआ है, a, और स्क्वायर का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है -1, यानी कि हमको यहां से मिलेगा माइनस अल्फा a की पावर हाफ एंड a की पावर 2, तो यहां से हमको सॉल्व करके कितना मिलेगा, a की पावर 5/2, a टू द पावर 5/2। तो यहां से हमको फिफ्थ फेज पे जो फ्लक्स मिला है वो इस बार जीरो ना मिल करके बल्कि क्या मिला है, माइनस अल्फा a टू द पावर 5/2, राइट। और अगर हम बात करें फ्लक्स 6 की, यानी कि इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, ठीक है, E6 अलोंग x एक्सिस, एरिया वेक्टर देखें तो आउटवर्ड, यानी कि यहां पर भी एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन हो गया, यानी कि यहां पर हमारे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यार 0 डिग्री हो जाएगी, राइट। तो अगर हम फॉर्मूला फिर से पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सिक्स्थ डेल्टा ए कॉस थीटा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो E6 हम निकाल चुके हैं, कितना है अल्फा 2a टू द पावर हाफ, 2a टू द पावर होल पावर हाफ, राइट। एरिया अगर हम देखें तो इधर का स्क्वायर का भी साइड कितना है a, तो हमारा जो स्क्वायर होगा, एरिया होगा इस स्क्वायर का, वो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और इस बार जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0, सेम डायरेक्शन है, तो cos 0 कितना होता है 1। तो यहां से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या मिलेगा, देखो इस बार अल्फा अंडर रूट 2 a टू द पावर 5/2, राइट। और अगर हम नेट फ्लक्स निकाले तो नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा a टू द पावर 5/2 प्लस अल्फा अंडर रूट 2 a टू द पावर 5/2। और यहां से अगर हम अल्फा a टू द पावर 5/2 को कॉमन निकाले तो हमको क्या मिलेगा, देखो अल्फा a टू द पावर 5/2 को हमने बाहर निकाला तो हमको अंदर क्या मिल रहा है, देखो अंडर रूट 2 माइनस 1। अब हम यहां पर हमारी सारी वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा नेट फ्लक्स निकालते हैं, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू अल्फा कितना गिवन है हमको, 800, राइट। ए हमको कितना गिवन है, 0.1 टू द पावर 5/2, राइट, अंडर रूट 2 1.414 -1, ठीक है। तो यहां से हमको कितना मिल जाएगा, 0.4। और इन सारी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमको रिजल्ट मिलेगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। तो ये जो हमारा फ्लक्स है वो हमको क्या मिलेगा, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। अब यहां पर हमारा एक क्वेश्चन तो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमसे सिर्फ सिंपली फ्लक्स पूछा था तो हम फ्लक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में हमको पूछा है कि व्हाट विल बी द चार्ज, तो चार्ज निकालने के लिए हम लगाएंगे गॉस लॉ, ठीक, यूजिंग या अप्लाइंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है फ्लक्स पाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। हमें चार्ज चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है 1.05
इनटू एप्सिलॉन नॉट हमने याद किया हुआ है वैल्यू कितना होता है 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12 राइट। तो हमको यहाँ फाइनल जो रिजल्ट है 9.27 इनटू 10 टू द पावर -12 कूलम राइट। तो ये निकल गया हमारा चार्ज और ये निकल गया हमारा फ्लक्स। ठीक, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं फ्लक्स के ऊपर और गॉस लॉ के ऊपर तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।